जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:40 हुई है, मार्केट अभी 10 मिनट पहले बंद हुआ, ओनली 10 मिनट्स पहले मार्केट बंद हुआ, 3:40 PM। और आ जाइए हमारे एनालिसिस पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, आई नो एंड आई लव यू ऑल। तो सबसे पहले तो दोस्तों, वो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था, फिर भी अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को, 3:00 पर डाला था, तो आप लोग पिछले फ्राइडे को याद है जब मैंने लिखा था महंगा है, लेकिन आपको रूल समझाया था कि ATR कैसे चेक करके आप पता कर सकते हो कि कौन सा महंगा है। अगर ये महंगा तो हम लोग मंथली में जा सकते हैं। तो 30,000 लास्ट फ्राइडे को 30,000 का हम लोग बैंक निफ्टी का कॉल और पुट देख रहे थे। क्या देख रहे थे? 30,000 का कॉल और पुट 10 अक्टूबर का, क्योंकि बाई वीकली का मतलब 10 अक्टूबर, तो हम लोग देख रहे थे 30,000 का कॉल पुट लास्ट वीक में। उनका दोनों का कॉस्ट आ रहा था हमारे को 1260 रुपये, आपको सबको याद होगा 1260, मैंने वीडियो में भी समझाया था 1300 के करीब आ रहा था, आप सबको याद होगा। तो आज वो कॉल अभी चल रहा 177, ठीक है, 10 अक्टूबर का। लेकिन मैंने बोला वो महंगा है, उसकी जगह आप मंथली में घुस जाइए, तो मंथली भी दिखाऊंगा। आज वो कॉल चल रहा 177 और पुट आज चला गया था 1994, हमारा कॉस्ट था 1300, 1994 यहाँ निकल गया, यानी कि यहाँ पे 40% का गेन तो यही हो गया आपको टोटल कॉस्ट पे। उसके अलावा अभी 10 अक्टूबर का टाइम है और आपका कॉल अभी भी 177 चल रहा है, और 10 अक्टूबर तक का आपको टाइम है, 10 अक्टूबर तक का। तो ये हो गया वीकली वाला, अगर हम उस महंगे वाले को भी लेते तो समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर मैंने बोला था कि उसकी जगह हमको मंथली ले लेना चाहिए, मंथली मतलब 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर वाला हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा था 1600 रुपया, आप सबको याद होगा टोटल कॉस्ट। तो अभी कॉल का दाम है 30,000 का 423 चल रहा है अभी, आप देख सकते हो, और पुट का 1600 का कॉस्ट आपको याद है, आप चेक कर लीजिए शुक्रवार के सारे वीडियो, आपको याद आ जाएगा फ्राइडे के। और 2078 रुपया पुट का हाई बन चुका है, आपकी कॉस्ट थी 1600, 2000 रुपये ये निकाल चुका है, पूरा महीना आपको बाकी है अभी, और ये 400 रुपये अभी भी चल रहा है, 420 रुपये अभी भी चल रहा है, और पूरा महीना बाकी है। 1600 की जगह 2000 तो खाली पुट ने निकाल दिया, अभी तो एक वीक भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि पहला थर्सडे भी नहीं है, अभी तो मंगलवार है, और हमारा कॉल पुट कब का? 31 अक्टूबर का, अगर मंथली वाला देखो। और अगर 10 तारीख वाला भी देखो तो अभी पहला थर्सडे भी परसों आएगा। तो ये है कमाल, क्यों दूसरा काम करते हो, इतना बढ़िया घर में बैठे बैठे 40%, 50% प्लस आपको फ्री में खेलने का मौका अलग से मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल। आप सब मुझे पूछते सर इसको निफ्टी में कर सकते, मैंने बोला मना किया, इंदौर में भी पूछा, क्योंकि कुछ कारण है मैं बैंक निफ्टी में बोलता हूँ, और मैंने समझाया था इंदौर ट्रेनिंग में क्यों बोलता हूँ। उसके अलावा इंदौर ट्रेनिंग वाला आपको 3 स्टॉक समझाया था, जिससे आप हर महीना शिमला या कश्मीर जहाँ पर भी जाना चाहते हो फैमिली टूर कर सकते हो उनकी प्रॉफिट से, 3 स्टॉक आपको बताया था, और वो आप आज देख चुके होंगे कमाल। तो इतनी सेफ स्ट्रेटेजीज मैं अपनी ट्रेनिंग में सिखा देता हूँ कि आपको हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसकी ट्रेनिंग की कीमत आप करोड़ों में भी लगाओ तो कम है, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे, क्योंकि हमारा काम अभी एनालिसिस करने का, ये ज्ञान मैंने इसलिए बांटा कि किसी ने वो वाला वीडियो अभी नहीं देखा होगा जो इसके पहले डाला था मैंने, ये वाला वीडियो आप सबके लिए। और आप देख लो लेवल्स भी कैसे काम करते हैं, लेवल्स जहाँ टूटा वहाँ काम हो रहा है। ये लास्ट में एक वीडियो डाला था आपको बता देता हूँ, इसमें भी मैंने यही चर्चा की थी, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। ये कुछ 3:00 पर डाला था, देखिए टाइम देख लीजिएगा इसका। जय भोलेनाथ दोस्तों। तो सबसे पहले तो निफ्टी आज 275 के ऊपर क्लोज करा है, निफ्टी बुलिश है याद रखिएगा, बुलिश है निफ्टी, बैंक निफ्टी याद रखिएगा। 314 पे डाला था, बियरिशनेस नहीं है 274 के नीचे। यार ये फोन वाले परेशान करते थे मुझे, फोन मत किया करो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फोन मत करो, आपको जो भी करना है पूछना है व्हाट्सअप करो मुझे। तो अब आ जाते सीधा आज चार्ट पे निफ्टी के, क्या हुआ क्या नहीं सीधा। अब मुझे प्रमाण नहीं करना है कि मैं क्या हूँ, ये समझ लो आपके हर घर में पैसा आना चाहिए, अब कोई घर में 1 रुपया का लॉस नहीं होना चाहिए जो मुझे फॉलो करते। आज निफ्टी में क्या हुआ, 515 का ओपनिंग किया, 554 गया, अपना 490 को के ऊपर चला तो 554 तक गया, लेकिन वापस 430 आया, मैंने बोला स्टॉप लॉस हुआ आज अपना, हमारा टारगेट 600 का था, लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो 64 पॉइंट्स इमीडिएटली आपको मिल गया,
64 पॉइंट्स, कम नहीं होता निफ्टी में। कुछ लोग तो 20 पॉइंट का भी टारगेट देके उछलते हैं, ठीक है। एनीवे तो और लो बना दिया 247 का। अब ये बता रहा हूँ, 247 का लो तो बना दिया लेकिन क्लोज इसने किया आज 359। मैंने आप लोग को बताया था ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से बुल रन चालू हुआ था, यहाँ से इस कैंडल से। ये फ्राइडे की कैंडल थी 20 नौ का जो फ्राइडे था, 20 तारीख का जो फ्राइडे था उसकी ये कैंडल है। आप देख लो 20 तारीख को फ्राइडे था कि नहीं, 20 तारीख को फ्राइडे था, सितंबर 20 तारीख को फ्राइडे था, आप देख सकते हो। तो ये उसकी कैंडल है 20 नौ की, जहाँ एक बहुत बड़ी रैली आई थी। 10691 का लो बना के निफ्टी 11381 का हाई बनाया था सेम डे, यानी कि 700 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था, 700 पॉइंट इंट्राडे निफ्टी बढ़ा था यहाँ से बुल रन। तो मुझे पता था कि इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बड़ा माल लेके गए हैं, जो भी लेके गए इसको छेड़ने नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे को क्या हुआ था, एक गैप अप हुआ था, गैप अप ओपनिंग, क्योंकि नेक्स्ट डे का लो था 11,474 जबकि इस फ्राइडे का लो हाई था 381। तो ये गैप फिलअप होना था, तो हमने सोचा कल 391 आया तो फिलअप हो गया है, लेकिन नहीं हुआ, उसको इसके नीचे आना ज़रूरी था। तो नीचे आया आज, आज 247 का बना के उसने गैप को फुल्ली फिलअप कर दिया। और अगर इस क्लोजिंग के नीचे आज क्लोज कर देता, जो उस दिन की बुल रन की क्लोजिंग आई फ्राइडे की, जो मैंने वीडियो में समझाया, तो बियर्स का हाथ स्ट्रांग हो जाता। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से हम जल्दी, बहुत जल्दी 12,000 जाने वाले हैं, ये मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ, हम बहुत जल्दी 12,000 आने वाले हैं, 12,000। लेकिन ये मेरा व्यू है, आप इस पर मत जाइएगा, आप खाली लेवल्स पर जाइएगा। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि हमको तो लेवल्स पे कमाना है रोज, इंट्राडे खेल के उसमें कमाना है और कॉल पुट लेके घर में सोना है, बिना टेंशन के पैसा कमाना है। मैं तो बोलता हूँ खाली कॉल पुट वाला जो स्ट्रेटेजी उसमें खेलो। और मैंने तो इन दोनों में बहुत कुछ समझाया, इतनी चीज़ें नहीं बताई कि आप सोच नहीं सकते हो। तीन तो ऐसे स्टॉक बता दीजिए जिससे हर महीना आप 40-50 हज़ार रुपया ऐसे ही छाप सकते हो बिना टेंशन के। तो आप लोग को भी बताऊँगा, आइए ट्रेनिंग में आइए, दिखेगा। तो इसका आप सीधा हम एक मिनट के चार्ट में जाते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको कंडीशन बता दी, 274 के नीचे क्लोज करता तो मार्केट बियर की ग्रिप में आ जाता, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगले हफ्ते में तो मंगलवार तक ही देख रहा हूँ कि 11,700 आ जाएगा, अगले हफ्ते का मंगलवार जो आएगा, ये आज मंगलवार है, टिल नेक्स्ट ट्यूसडे माई टारगेट इज 11,750 पर्सनल। लेकिन अब हम आते हैं एनालिसिस पे, क्योंकि हमको उस पर नहीं जाना है, पर्सनल गया तेल लेने, ऐसे बोलिए बस, खाली देख सकते हो आप। तो ये 30 मिनट्स का चार्ट है और क्लियर कट लास्ट में देख लीजिए आप, तीन वाइट सोल्जर बन गए, तीन वाइट सोल्जर, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, मेरे जो पुराने मेरे फॉलोअर्स उनको पता है। तो ये आज क्या हुआ, ये ओपनिंग ऊपर किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर चला, फिर नीचे आया, तो आज की मूवमेंट थोड़ी जिगजैग है। ये देखिए यहाँ खुला, यहाँ से ये फिर पहले एक घंटे में ये लो बना दिया, ये हाई बना के, हाई बनाया था 564 का और पहले एक घंटे में लो बना दिया कुछ 400 के आसपास का, ठीक है। फिर वापस इसने उछाल मारा लेकिन पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया, ये हाई को, ये देखिए ये वाला हाई जो है ये तोड़ नहीं पाया, ठीक है। इस हाई से नीचे का हाई बनाया, ये हाई नीचे का है, ठीक है, स्टडी करने का तरीका समझा रहा हूँ। फिर इसने एक कैंडल और बनाया ऐसी जिसमें लगा कि है स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर एक रेड कैंडल ऐसी बनी जो इसकी सांस फूल गई और वहाँ से नीचे का डाउन ट्रेंड चालू हुआ, जो कि हमको यहाँ जाके थमा 247 पे, और वापस यहाँ से 247 से मार्केट ऊपर जाने लग गया, और यहाँ से 247 से इसने 380 तक हाई बनाया लास्ट के एक घंटे में, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग भी अच्छी दी आज, क्लोजिंग कितनी दिया मैंने बताया, 359 शायद दिया ना, शायद कितना दिया आज की क्लोजिंग है, तो 247 का लो बना के अगर 359 क्लोज देता है, इसका मतलब जो लो था उससे 112 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, जो लो था दिन का। इससे समझ में आता है कि जब कल छुट्टी है तो थर्सडे को मार्केट बूम रहने वाला श्योर शॉट है, क्योंकि फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी है, बैंक निफ्टी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो बैंकिंग भागेगा फ्राइडे और थर्सडे को, देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आए थे एक मिनट के चार्ट पर, जहाँ हमको लेवल निकालना है,
ये तो हमको पता चला। तो अब थर्सडे के लिए आपका बाई कॉल कहाँ बनता है वो देख लेते हैं। बाई बनता इस बहुत ऊपर हो जाएगा, यही ठीक है। अपन 359 पे क्लोज किया तो फ्राइडे का थर्सडे के लिए, क्योंकि कल छुट्टी है। और शॉर्ट भी आपको बता दो कहाँ बनेगा, शॉर्ट तो बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए, शॉर्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा काम है बताने का। तो शॉर्ट आपको आज रेंज बड़ी हो गई है, क्योंकि आप खुद देखें आज 200 पॉइंट का मार्केट खेला है, आज का हाई लो में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हो। तो आज रेंज थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि आज का हाई और लो का डिफरेंस देख लो आप लोग। आज का हाई था 554 और आज का लो 247, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज हो गई। 308 पॉइंट का रेंज था आज। तो उस हिसाब से तो मैं जो बता रहा हूँ बहुत सही बता रहा हूँ, सिर्फ 100 पॉइंट का रेंज बता रहा हूँ भाई लोग बाई सेल के लिए। आपको बाई करना है 410 के ऊपर मार्केट चलने लग जाए, 416 के ऊपर मार्केट अगर चले तो आप बाई कर लीजिए, और 290 के नीचे मार्केट चले तो आप सेल कर दीजिए, या 298 के नीचे और 415 के ऊपर लिख देता हूँ। बीच में आप कुछ मत करिएगा, रिक्वेस्ट है। करना भी है तो सपोर्ट के नज़दीक बाई करिए और रेजिस्टेंस के नीचे सेल करिए, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सलाह नहीं दूंगा। फॉर थर्सडे बाई निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स अबव 11,415 फॉर 15 मिनट्स और मोर स्टॉप लॉस बड़ा होगा, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आज 300 पॉइंट का रेंज था, आप समझिए, इसलिए बड़ा रेंज रखना ही पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस 290 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला सिनेरियो है, इस सिनेरियो में अगर काम नहीं हो रहा हो आपका तो जो भी सिनेरियो पहले आ जाए उस पर काम करना है। और स्टॉप लॉस को हमेशा इज्जत देना है, एक आध दिन अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। किसी दिन स्टॉप लॉस हो जाता है तो उस दिन घबराने का नहीं। सेल निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स, और आप लोग देख लीजिए मैं 3:40 पे वीडियो बनाता हूँ, उस समय ना SGX निफ्टी चालू होता है ना कोई न्यूज़ मेरे पास रहती है, मैं प्योरली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कैसे होता है और कैसे लेवल निकाला, आपको भी सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली मैं ही सीख रहा हूँ, और सब कुछ मैं इंस्टेंट करता हूँ, कुछ भी सोच के नहीं आता हूँ। रेंज थर्सडे की जरूर बड़ी है, लेकिन उपाय नहीं है। और टारगेट भी लिख देता हूँ थर्सडे का आपको, थर्सडे को तो मुझे ऐसा लगता है कि 550 टारगेट इज 11,540, फिर दूसरा टारगेट है 11,590, मुझे लगता है थर्सडे को 600 भी जा सकता है, लेकिन आप ऐसे चलिए, बस ये दोनों टारगेट है। पहला टारगेट 11,540, अगर ये एक्टिवेट होता है तो पहला वाला कॉल, पहला सिनेरियो एक्टिवेट होता है तो ये, और दूसरा सिनेरियो एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस आपको डालना पड़ेगा वही वाला 11,415, और टारगेट इसमें ओपन रहेगा, इस केस में ओपन टिल, ये सब इंट्राडे है, आप याद रखिए कोई पोजिशनल नहीं है। तो आपको दिख गया ये, आप देख लीजिए दोस्तों, इसका फोटो खींच लीजिए, चाहे इसको सेव कर लीजिए, जैसा आपकी मर्जी, इसको फोटो खींच लीजिए आप, इसको
लिख लीजिए डायरी में, आपकी मर्जी है। ये थर्सडे का लेवल्स है, ये दोनों लेवल है, देखिए आप ये और ये, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाय। और जब मुझे तो पर्सनली आई एम ऑन बुलिश साइड, पर्सनली आई एम ऑन ह्यूज बुलिश साइड, नॉट बुलिश साइड, ह्यूज बुलिश साइड, क्योंकि उसने आज वो गैप को कन्विंसिंगली फिलअप भी कर दिया और उस क्लोज को रेस्पेक्ट दिया 274 को। जब 247 चला गया तो उसके नीचे क्लोज दे सकता था वो 274 के नीचे, तो उससे क्या होता पता चलता था कि बियर के हाथ में पाला बाजी आ गई, लेकिन नहीं आई। अब तो बियर खून के आंसू रोएंगे, ये मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ। तो फिलहाल आप अपन लेवल पे बात करते हैं, अपन को कुछ नहीं करना, ये लेवल देख लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का हम लोग पहले तो डेली चार्ट देख लेते हैं, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, इसमें भी बड़ी सारी आपको समझ में आया बैंक निफ्टी क्यों बोलता हूँ कॉल पुट, अब समझ में आया। एक दिन का मूवमेंट आप देखो, 29526 का हाई है और 28077 का लो है, यानी कि 1500 पॉइंट का अप डाउन एक दिन में, 1500 पॉइंट का अप डाउन लो और हाई का डिफरेंस। आज ओपनिंग हुई 29226, हाई बनाए 29526, लो बनाए 28077 और क्लोज किया 28725। क्लोजिंग बहुत सुपर है, जब लो बन गया 28077 का, उसके बाद अगर हम 700 पॉइंट ऊपर क्लोज करते हैं, इसका मतलब बाजी कहीं ना कहीं बुल्स ने मारी है, बियर्स ने नहीं। तो इसमें भी हम सीधे सीधे आ जाते लेवल्स पे, क्योंकि इसकी कहानी समझा के कोई मतलब नहीं, मैं तो तेज़ी में आपको पता चल गया। तो सीधा इसका एक मिनट का चार्ट देखते हैं। और दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि कॉल पुट कैसा है, वो बाई वीकली मैंने आप लोग को सोना दे दिया, सोना या हीरा डायमंड। कुछ बोलते सर इसमें कैसे पैसा कमाएंगे, अबे देख तो ले, वीडियो देख सीख, मैंने तो रूल्स भी बता दिया, रूल्स का भी वीडियो डाल दिया कि आपको कैसे चेक करना है कि प्रीमियम खराब है, वो रूल्स वाला वीडियो भी आप लोग ने देखा ही होगा, है ना। बैंक निफ्टी में देखिए आज शुरू में अच्छा खासा अच्छी ओपनिंग हुई, फिर एक जगह काफ़ी देर टिका, एक रेंज पे, देखिए इस रेंज पे काफ़ी देर रहा, इस रेंज से इस रेंज पे कंसोलिडेट किया इसने, कितनी देर, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटे के बाद इसको लगा कि ये रेंज तोड़ना चाहिए, ये रेंज तोड़ा इसने और वहाँ से बियर रैली आ गई इसकी, और वहाँ से जैसे इस रेंज को तोड़ा यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, 28077 तक। लेकिन उसके बाद लास्ट में थ्री वाइट सोल्जर आप देख लीजिए, लास्ट में इसने तेज़ी का सिग्नल दे दिया। तो अब इसकी इसकी अगर हमको लेवल निकालनी है तो बाई करने की मैं सिंपल बता देता हूँ, आज 28700 कुछ पे क्लोज हुआ है, तो इसमें लेवल तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। एग्जैक्टली 28999 के ऊपर बाई करना चाहिए इसको, 725 के आज क्लोज हुई है। और सेल इसका बनता है, सेल इसका सेल बनेगा 28420 के नीचे, ये 420 नहीं 400 के नीचे, इसका लो मान लो यार, बेस्ट है, ये बेस्ट है 398 के नीचे, ठीक है। इसमें भी रेंज बड़ी हो गई क्योंकि आज इसने इंट्राडे में 1500 पॉइंट खेल लिया, आपको पता है। तो आप रेंज को ध्यान रखिएगा और लेवल पे ही खेलिएगा, तभी आपका पैसा बनेगा फॉर थर्सडे। और ये मान के चलिए मेरा उद्देश्य ही लाइफ का अब एक ही है कि आप लोग पैसा कमाओ। मेरी ट्रेनिंग में आते हो तो वेलकम है, आओगे तो कुछ और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि आप पागल हो जाओगे वहाँ पे, जैसा कि आपने उन ट्रेनिंग का ट्रेनिंग लोग का व्यू सुन के भी आप समझ गए होंगे, इंदौर वालों का। फोर थर्सडे बाय बैंक निफ्टी स्पॉट, इफ ट्रेड्स above 28998, क्योंकि क्लोजिंग 725 दूर नहीं है, लेवल छोटा सा ही है। फॉर 15 मिनट्स और मोर स्टॉप लॉस 28
सी 90 टारगेट दे दो, टारगेट चलिए 29,800। दूसरा टारगेट है 30,100, दो टारगेट है उसके, स्टॉप लॉस तो है ही। अब दूसरा सिनेरियो लिख लीजिए फॉर थर्सडे, सेल बैंक निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स बिलो 28,390, स्टॉप लॉस इसका भी स्टॉप लॉस भाई साहब 29,000 ही होगा, उपाय नहीं, लेवल बहुत बड़ा है। तो आपको करना हो तो करिएगा, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी हो गई। टारगेट ओपन टिल, और मैं बाई साइड में हूँ पर्सनली, मैं मेरा लेकिन आप मुझे फॉलो मत करिए। ये लेवल्स है बैंक निफ्टी के, आप देख लो फॉर थर्सडे बाई बैंक निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स अबव 28,998 फॉर 15 मिनट्स और मोर, स्टॉप लॉस 28,390, टारगेट 29,800, 30,100 ये टारगेट्स है। और ये सेल का दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई भी एक सिनेरियो जहाँ पे भी आपको एक्टिवेट हो जाए उस पर आप काम करना, अपना दिमाग लगाना ही मत, समझ में आया। आपको बाई लगता है, जैसे मुझे लगता है बाई है, बाई से मार्केट ऊपर जाए उसको छोड़ दीजिए, अगर आपको इस पे खेलना है तो सिर्फ इसको ही बिलीव करना है, ठीक है। और बाकी कॉल पुट वाली स्ट्रेटेजी तो आपने देखा मैजिकल है, इतने पैसे आ रहे हैं लोगों को के हिसाब में। तो अब मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ, कि मुझे भी सुबह का खाना खाना है और मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कोई भी, मैं दिल खोल के आप लोग के लिए लगा रहूँगा, ये मेरा वादा है। बस ये व्हाट्सएप करके बिना बात वाले, अरे मेरे वीडियो देख के सीखो ना यार, घर में सब कुछ मैंने रूल तक का वीडियो बना दिया, आपको दिखा देता हूँ रूल वाला वीडियो, आप लोग देखते ही नहीं हो, उसमें मैंने ये रूल भी समझा दिया कैसे आपको फॉलो करना है। कहाँ गया, एक बार दिखा देता हूँ झलक, उस वीडियो को आप लोग देख लेना कि कॉल पुट में कैसे रूल चेक करना है आपको, और नहीं होता तो उसमें मंथली में जा सकते हो। तो ये रूल्स वाला एक वीडियो डाला था, शायद मैंने फ्राइडे को ही डाल दिया था, फ्राइडे को, क्योंकि मैंने बोला था आपको शाम को डालूंगा उस दिन, तो फ्राइडे को था वो वीडियो। ये वाला वीडियो फुल रूल्स, जिसको अभी तक 6,900 लोगों ने देखा भी है। अरे यार, अच्छा कल वाला वीडियो कितना व्यू हो गया देखो क्या, कल वाला तो ज़बरदस्त आप लोगों ने लाइक दिया भाई, आज भी इतनी इज्जत रखिएगा मेरी, है ना, मैं कहीं पे भी रॉन्ग नहीं हूँ, आप देख सकते हो, और इतना टाइमली आपको कल वाला में 2700 लाइक आ गए, 9,000 लोगों ने देख लिया कल वाला, आज वाले भी 9,000 लोगों ने देखना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और वो रूल्स वाला वीडियो आप लोग को दिखा देता हूँ वापस, वो रूल्स वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे कि कॉल पुट जो पूछते हैं मुझे सर कैसे करना है, तो आप लोग ये रूल्स का भी समझ लो। हालांकि मुझे लगता है कोई भी प्रीमियम महंगा नहीं है, क्योंकि जैसी वॉलेटिलिटी इसमें है, और वो तीन स्टॉक इंदौर वाले आपको बताया था उस पर भी कभी भी चेक कर लीजिएगा आप। अब बम्बई में तो मैं और कुछ बताने वाला हूँ नया, बम्बई 19 तारीख को है, सॉरी ट्रेनिंग, ये वाला वीडियो देख लीजिए, फुल रूल्स, इसका हेडिंग देख लीजिए फुल रूल्स फॉर बाई वीकली बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी ऑफ फ्राइडे, ऑफ फ्राइडे, ठीक है, इसको आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। बस अब विराम लेता हूँ, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।